हेलो डी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फाइव वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लास विल बी लर्निंग सब्जेक्ट हिंदी लेसन टेन पार्ट दस ओके व्हाट इज़ द लेसन के बी पढ़ने लगा यहाँ भी है आपके लेसन टेन ओके पार्ट दस और पार्ट का नाम है के बी पढ़ने लगा ओके वर्ड मीनिंग विल स्टार्ट फ्रॉम वर्ड मीनिंग ओके बिफोर वी गो फॉर ऑल लेसन इस पाठ को पढ़ने से पहले शब्दार्थ को पढ़ेंगे शब्दार्थ का मतलब होता है वर्ड मीनिंग शब्द प्लस अर्थ शब्दार्थ शरारती शरार्थी मतलब मिसिबियस ओके मिसिबियस नॉटी ना शरारती ओके मिसिबियस घोसला घोसला का मतलब होता है नेस्ट जो चिड़िया का घर है घोसला हिंदी में घोसला बोलते हैं जहाँ पर चिड़िया रहती है नेस्ट ओके उसके बाद है रखवाली रखवाली का मतलब होता है गार्ड करना ओके गार्ड जी यू ए आर डी गार्ड रखवाली ओके उसके बाद है ढूंढना ढूंढना का मतलब है खोजना भी बोल सकते हैं खोजना सर्च ओके ढूंढना ओके सर्च एस ई ए आर सी एच सर्च उसके बाद है मधुमक्खी मधुमक्खी मतलब बी ओके जो हनी खाते हैं ना हम लोग ओके सेहत ओके सहत खाते हैं बी उसके बाद है योग्य एबल ए बी एल एबल योग्य वर्दी भी बोलते हैं ना योग्य एबल उसके बाद उत्तर उत्तर मतलब नॉर्थ भी होता है मगर ये नॉर्थ वाला नहीं है उत्तर हियर मीन्स एंसर ओके एंसर ओके क्वेश्चन एंसर उसी तरह उत्तर मतलब है एंसर ओके शहद का मतलब होता है हनी जो मीठा होता है इट्स वेरी स्वीट हनी ओके उसके बाद है इकट्ठा इकट्ठा करना मतलब होता है कलेक्ट करना ओके गैदरिंग ओके गैदर इकट्ठा जमा करना ओके okay? एक साथ जमा करना बेकार मतलब ईडल यूजलेस ओके ईडल यूजलेस ओके उसके बाद है निकम्मा ओके okay? निकम्मा का मतलब क्या यूजलेस भी बोल सकते हैं गुड फॉर नथिंग ओके यूजलेस गुड फॉर नथिंग छात्र स्टूडेंट ओके छात्र स्टूडेंट तो ये जो है इस लेसन के भी पढ़ने लगा ओके दीज आर द वर्ड मीनिंग्स फ्रॉम योर लेसन केवी पढ़ने लगा पार्ट दस ओके कम ओकेशन पेज नंबर ट्वेंटी एट केवी गांव में रहता था केवी का गांव का नाम है बस्ती का नाम है जखामा ओके केवी विलेज इज जखामा वो कहाँ रहता है ही इन जखामा जखामा बस्ती में रहता है जखामा में वो पांचवी कक्षा में पढ़ता था वो कितने कक्षा में पढ़ता था कक्षा मतलब क्लास कक्षा मतलब होता है क्लास ओके ही वॉज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड फिफ्थ क्लास ओके पांचवी फिफ्थ क्लास फाइव ओके वो क्लास फाइव में था वो पढ़ता था उसका मन उसका दिल उसका मन ओके पढ़ाई में नहीं लगता था ही डज नॉट वॉन्ट टू स्टडी उसका मन नहीं लगता था ओके आपको पढ़ना अच्छा लगता है नहीं, नहीं? ओके पर केवी को पढ़ना अच्छा नहीं लगता था स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था उसको वो हर वक्त वर्क वक्त मतलब समय एवरी टाइम हर वक्त मतलब एवरी टाइम वक्त मतलब समय टाइम खेलना चाहता था ओके ऑलवेज ही वांट टू प्ले ओके ही वांट्स टू प्ले खेलना मतलब प्ले वो पढ़ाई नहीं करना चाहता था ओके वो क्या करना चाहता था वो खेलना चाहता था वो खेलना चाहता था और स्कूल में भी बहुत शरारती था ही वॉज मिशिबियस काइंड ऑफ पर्सन ओके ही वॉज अबियस बॉय नॉटी बॉय ओके इवन इन द स्कूल स्कूल में भी बहुत शरारती था ओके okay? वो स्कूल में भी बहुत शरारती यहाँ शरारती का मीनिंग है मिशिबियस ओके मिसिबियस था ओके okay? नॉटी था वो ओके ओके नेक्स्ट पैराग्राफ में जाइए एक दिन वन डे एक मतलब वन दिन मतलब डे वन डे केवी स्कूल के लिए निकला वन डे ही वाज ऑन द वे टू स्कूल ओके ही वाज गोइंग टू स्कूल वो स्कूल के लिए निकला रास्ते में रास्ते मतलब वे रोड रास्ते में ओके okay? उसके वे में उसे एक चिड़िया मिली क्या मिली उसको एक चिड़िया चिड़िया मतलब क्या है चिड़िया का मतलब है बर्ड एक बर्ड मिली ओके okay. उसने उसने चिड़िया से कहा उसने चिड़िया से क्या कहा आओ मिलकर खेले कम अस प्ले टुगेदर उसने क्या बोला वो स्कूल जा रहा था मगर रास्ते में खेलने के लिए किसको बुला रहा है चिड़िया को ऑन द वे ही वॉज गोइंग टू स्कूल बट ऑन द वे ही डज नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल ही वॉज कॉलिंग टू बर्ड एंड आस्किंग टू प्ले टुगेदर आओ मिलकर खेले कम अस प्ले टुगेदर ओके चिड़िया ने सिर हिला हिला दिया चिड़िया ने क्या कर दिया सिर हिलाया सिर हिलाना ओके okay. वो बोली सिर मतलब माथा हिलाया ओके okay. चिड़िया ने अपने माथा हिलाया नहीं ओके okay. और वो बोली क्या बोली चिड़िया मेरे पास खेलने का समय नहीं है आई ओके okay. मैं मेरे पास खेलने का समय नहीं है ओके okay. बरसात आने वाली है क्या आने वाली है कौन सा सीजन आने वाली है बरसात मानसून रेनी सीजन आने वाली है और मुझे घोंसला बनाना है घोंसला मतलब क्या है यहाँ ऊपर देखिए घोंसला मतलब नेस्ट एन ई एस टी नेस्ट उसका घर बनाना है चिड़िया नहीं चिड़िया बोलती है मुझे अपना घर बनाना है घोंसला बनाना है चिड़िया का घर को क्या बोलते हैं घोंसला हिंदी में नेस्ट ये सुनकर केवी आगे चल पड़ा और केवी केवी ने केवी आगे चला गया आगे चलकर केबी को एक कुत्ता मिला आगे चलकर केबी को एक फिर एक कुत्ता मिला कुत्ता तो हम जानते हैं आपके घर में भी होगा कुत्ता ओके कुत्ता मतलब डॉग मिला वो नाले के पास कुछ ढूंढ रहा था दिस डॉग ओके दिस डॉग सर्चिंग ओके समथिंग इन द ड्रेन ओके नाला में कुछ ढूंढ रहा था ढूंढना मतलब सर्च केबी ने उस कुत्ते से कहा आओ हम खेले ओ डॉग कम अस प्ले टुगेदर आओ कुत्ता हम साथ में खेले कुत्ते ने कहा अभी मुझे अपने लिए खाना ढूंढना है आई हैव टू सर्च माय फूड ओके क्या ढूंढना है खाना ढूंढना है रात को फिर जाकर फिर रात को जाना है आई अदर वर्क टू रात को रात मतलब नाइट फिर जाकर घर की रखवाली करना है आई हैव टू गार्ड द हाउस ओके मेरे पास खेलने के लिए समय नहीं आई डोंट हैव स्पेयर टाइम एक्स्ट्रा टाइम टू प्ले आगे जाओ उसने बोला गो आई डोंट हैव दैट टाइम ओके। के बी आगे चल पड़ा कुछ दूर चलने के बाद उसे क्या मिला फिर मधुमक्खियों बी मिला बी का झुंड मिला ग्रुप ओके दिखाई दिया अपत इकट्ठा कर रही थी वो लोग भी काम कर रहे थे क्या काम कर रहे थे ये बीस वो सहद सहत, सहत मतलब हनी इकट्ठा कर रहे थे देवर कलेक्टिंग हनी केवी ने कहा मधुमक्खियों उसने भी फिर बुलाया किसको बुलाया मधुमक्खियों को बी को बुलाया ओ बी मेरे साथ खेलो प्ले विथ मी मधुमक्खियों की रानी ने उत्तर दिया ओके द क्वीन ऑफ बी ओके क्वीन बी ने उत्तर दिया मधुमक्खियों की रानी रानी मतलब क्वीन ने उत्तर दिया एंसर दिया उत्तर मतलब एंसर अरे भोले बच्चे ओ इनोसेंट चाइल्ड भोले मतलब इनोसेंट बच्चे मतलब चाइल्ड ओ इनोसेंट चाइल्ड क्या देख नहीं रहा है हम शहद इकट्ठा कर रहे हैं वी आर कलेक्टिंग यू डोंट सी वी आर कलेक्टिंग हनी हमारे पास खेलने के लिए समय नहीं है वी डोंट हैव टाइम टू प्ले ओके केवी ने सोचा सभी काम कर रहे हैं केवी ने क्या सोचा ओके ही वाज थिंकिंग ऑल देर वर्किंग काम कर रहे हैं पर वो तो खेलने के लिए बुला रहा है है ना नहीं? किसी के पास खाली समय नहीं है नो वन हैव दैट टाइम एक्स्ट्रा टाइम स्पेयर टाइम ओके फिर मैं ही बेकार आई एम यूजलेस आई एम ईडल मैं निकम्मा हूँ आई एम यूजलेस पर्सन जो यूं ही समय बर्बाद कर रहा हूँ आई एम जस्ट ओके रोमिंग हियर देअर ओके आई डोंट है आई एम किलिंग दिस टाइम ओके बर्बाद कर रहा है ओके okay? बर्बाद मतलब क्या है खत्म कर देना बर्बाद मतलब ख़त्म कर देना ओके okay? मैं भी पढ़ाई करूंगा उसने सोचा मैं भी पढ़ाई करूँगा मैं भी पढ़ाई करूंगा आई विल टू गो एंड स्टडी माई लेसन आई विल डू माई लेसन मैं पढ़ाई करूंगा आई विल रीड नाउ मैं निकम्मा नहीं रहूंगा आई विल नॉट रिमेन ओके यूजलेस ईडल ओके निकम्मा ईडल नहीं रहूंगा केवी ने अपने मन को अपने मन को क्या किया अपने मन को बदल दिया ओके okay, चेंज कर दिया ये कहकर वो तेजी से दौड़ा एंड ही रैन और स्कूल पहुंच गया एंड ही ओके okay, स्कूल उस दिन से वो मन लगाकर पढ़ाई करने लगा उस दिन से वो मन लगाकर पूरे मन से होल कंसेंट्रेशन होल हर्ट मन से लगाकर पढ़ाई स्टडी करने लगा के बी अब योग्य छात्रों में गिना जाने लगा नाउ केबी बी व्हाट वाट के बी तो योग्य हो गया योग्य मतलब एबल पर्सन वर्दी पर्सन ओके छात्रों स्टूडेंट्स में गिने जाने लगा कक्षा में भी वो सबसे अच्छे अंक लाने लगा कक्षा में भी सबसे अच्छे अंक ही टू गेट अ गुड मार्क्स ओके अच्छे मतलब गुड अंक मतलब मार्क्स ही गेटिंग गुड मार्क्स इन द क्लास अध्यापक मतलब टीचर और उसके मित्रों मित्रों मतलब फ्रेंड्स के पूछने पर केवी ने उनसे कहा जब से मैंने चिड़िया को देखा बर्ड को कुत्ते डॉग को देखा मधुमक्खी बी को देखा सभी को काम करते देखा आई हैव सीन देम वर्किंग तब से मैंने भी पूरे मन से पढ़ाई करने का सोच लिया देन आफ्टर दैट आई थॉट अपडिंग ओके ये सुनकर अध्यापक टीचर बहुत खुश हुए हिज टीचर वॉज वेरी हैप्पी बाई लिसनिंग दिस थिंग्स ओके और उन्होंने केबी को गले से लगा लिया और केबी को गले लगाया ओके okay? गले लगाना मतलब इम्प्रेस करना ओके okay? उसको गले लगाया ठीक है तो ये जो है एक लड़का है जिसका नाम है केवी वन बॉय हिज नेम इज केवी केवी वॉज अ यूजलेस पर्सन ही वॉज नॉट स्टारिंग वो पढ़ाई नहीं कर रहा था अपनी ही खुशी कर रहा था पर जब उसने सबको काम करते देखा किस किस को चिड़िया को देखा कुत्ता को देखा और मधुमक्खी को ये सब काम कर रहे थे उन सब से सीखा उसने हमें भी दूसरों से सीखना चाहिए अच्छे अच्छे चीज़ जो लोग करते हैं हमें भी सीखना चाहिए वी शुड लर्न फ्रॉम अदर्स ओके एंड दिस के वी वॉज अ चेंज पर्सन नाउ ही वॉज अ यूजफुल पर्सन नाउ ओके वो पढ़ने लगा ही वॉज गेटिंग गुड मार्क्स अच्छे अंक उसको मिलने लगा सो so ये केवी अच्छा बच्चा बन गया अच्छा स्टूडेंट बन गया ओके okay? एक अच्छा छात्र बन गया ही बिकेम अ गुड स्टूडेंट्स ओके वी शुड स्टडी ओके वी मस्ट स्टडी द लेशन ओके हमें भी पढ़ाई करना चाहिए है ना नहीं हमें भी पढ़ना चाहिए ओके ओके, आइए अभ्यास करें, ओके आइए अभ्यास करें, ओके लेट्स डू द लेसन सॉरी एक्सरसाइज ओके अभ्यास करते हैं ओके दिस असाइनमेंट व्हाट इज दिस नंबर क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए ओके okay? निम्नलिखित मतलब गिवन क्वेश्चन ओके प्रश्नों के उत्तर दीजिए ओके गिव द एंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ओके केवी किस गांव में रहता था केवी किस गांव में रहता था उत्तर दीजिए आपके किताब में लिखा है पेज नंबर ट्वेंटी एट में केवी किस गांव में रहता था यस केवी जखमा गांव में रहता था केवी कहाँ रहता था जखमा में रहता था उसका गांव का नाम है उसका बस्ती का नाम नाम है जखमा ओके वो गांव में रहता था आप किस गांव में रहते हो आप भी लिख सकते हो मैं ये गांव में रहता हूँ मैं कोइमा में रहता हूँ मैं दीमापुर में रहता हूँ ओके मैं मोन में रहता हूँ मैं मुगुकचुंग में रहता हूँ आप जहाँ रहते हो उसका नाम आप भी एक कॉपी में लिख सकते हो पर यहाँ पर एंसर तो क्या है केवी किस गांव में रहता था के भी जाखामा में रहता आप भी अपने गांव का नाम लिख सकते हो ठीक है यू कैन राइट योर विलेज नेम ओके मैं ओके कहाँ मैं फेक में रहता हूँ मैं कहाँ रहता हूँ मैं ओखा में रहता हूं कहाँ जहां आप रहते हो ओके वहाँ उसका नाम लिख सकते हो नंबर टू केबी ने अपने साथ किस किस को खेलने के लिए कहा किस किस को बुलाया उसने केबी ने अपने साथ खेलने के लिए सबसे पहले चिड़िया को बुलाया किसको बुलाया चिड़िया बर्ड को बुलाया कुत्ता को, को डॉग को बुलाया और किसको बुलाया अंत में लास्ट में किसको बुलाया मधुमक्खिया बी को बुलाया उसने ओके okay? उसने उनको कहा खेलने के लिए केवी ने अपने साथ खेलने के लिए चिड़िया कुत्ता और मधुमक्खियों को कहा नंबर थ्री कुत्ते को रात में कौन सा काम करना था कुत्ता क्या कुत्ते ने क्या बोला रात में क्या काम करना चाहता था वट ही वॉज डूइंग एट नाइट कुत्ते को रात में घर की रखवाली करना था ही टू गार्ड द हाउस है ना नहीं रखवाली गार्ड करना था कुत्ता को ओके दीज आर द एंसर्स नंबर फोर मधुमक्खियां क्या कर रहे थे व्हाट दिस बीज वे डूइंग ओके मधुमक्खियां शहद इकट्ठा कर रहे थे दे वर कलेक्टिंग हनी ओके कुत्ते एवं मधुमक्खियां को अपना अपना काम करते देख केबी में कैसा बदलाव 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 मतलब चेंज व्हाट चेंज इट केम टू हिज लाइफ कुत्ते एवं मधुमक्खी को अपना अपना काम करते देख के भी, भी पढ़ाई करने लगा के क्या करने लगा पढ़ाई पढ़ाई मतलब स्टडी स्टार्ट्स लर्निंग डूइंग हिज होमवर्क हिज स्टडी हिज लेशन ओके स्टार्ट्स रीडिंग ओके वो उसमें बदलाव आया नंबर सिक्स में केवी पढ़ने लगा कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है व्हाट लेसन वी गेट फ्रॉम दिस केवी पढ़ने लगा फ्रॉम दिस लेसन हमें इस कहानी से हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए वी शुड नॉट मिस यूज आवर टाइम समय को खराब बर्बाद नहीं करना चाहिए वी हैव टू करेक्टली यूज आवर टाइम समय बर्बाद नहीं करना चाहिए केवी स्कूल जा रहा था पर रास्ते में वो दूसरे को खेलने बुला रहा था पर दूसरे कौन कौन चिड़िया ने भी मना कर दिया कुत्ता ने भी मना कर दिया और मधुमक्खिया ने भी मना कर दिया क्या मना क्यों मना कर दिया क्योंकि वो सारे काम कर रहे थे और अपना काम करते रहना चाहिए हमें भी अपना काम करना चाहिए है ना हमें पढ़ने के टाइम में पढ़ना चाहिए खेलने के टाइम में खेलना भी चाहिए घूमने के टाइम में घूमना भी चाहिए पर पहली बात फर्स्ट थिंग इज़ वी शुड नॉट फॉरगेट टू स्टडी ओके सो ये के भी का लाइफ दूसरा है आइए अभ्यास करें अगेन फ्रॉम योर ओके असाइनमेंट फ्रॉम योर एक्सरसाइज सही उत्तर पर टिक लगाइए सही और गलत पर गलत का क्रॉस मार्क लगाइए ओके ट्रू एंड फॉल्स में ओके okay, के भी विषयमा गाँव में रहता था गलत है वो विषयमा में नहीं रहता था वो जखमा में रहता था ठीक है के हर वक्त खेलना चाहता था हाँ करेक्ट के हमेशा खेलना ही चाहता था कुत्ते को रात में घर की रखवाली करना था करेक्ट वो कुत्ते को घर की रखवाली करना था ओके okay. आगे चलकर के भी एक योग्य एबल छात्र स्टूडेंट बन गया यस करेक्ट अ गुड स्टूडेंट एबल स्टूडेंट वर्दी स्टूडेंट भी है भाषा ज्ञान लैंग्वेज नॉलेज विलोम शब्दों को जोड़े बनाइए और खाली स्थान भरिए फर्स्ट व्हाट यू है ओके वन टू थ्री फोर फाइव दिस साइड ओके यू हैव टू ओके मैच दिस वर्ड टू वर्ड एंड देन आफ्टर डैट फिलिंग द ब्लैंक्स ओके दिस साइड आपके किताब में है ओके okay. उत्तर का क्या हो जाएगा प्रश्न हो जाएगा उत्तर एंसर प्रश्न क्वेश्चन दिन डे रात नाइट योग्य अयोग्य योग्य एबल अयोग्य ओके okay, अनवर्दी योग्य वर्दी अयोग्य अनुवर्दी गांव शहर गांव विलेज शहर टाउन सिटी आगे ओके okay, फ्रंट पीछे बैक ओके okay, यहाँ भी सेम उत्तर प्रश्न दिन रात डे नाइट योग्य वर्दी अयोग्य अनुवर्दी गांव विलेज उसका विलोम उल्टा शहर टाउन सिटी आगे फ्रंट पीछे बैक ओके सो दिस इज अ बिलोम शब्द आपकी कॉपी में आप लिख सकते हैं ओके देन हियर देखिए और लिखिए सी एंड राइट ओके जस्ट सी ये जखामा फ्रस वर्ड यह है शरारती मिस्िवियस यह इकट्ठा कलेक्ट और यह है निकम्मा ओके यूजलेस एंड ये योग्य ओके ये आपकी कॉपी में लिखिए ओके यू कैन राइट फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टाइम्स ओके इट इज गिवन इन योर बुक तो इट इज गिवन इन द बॉक्स यू कैन राइट इन दैट बॉक्स टाइम्स सिक्स 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 एंड सिक्स जस्ट टू राइट ओके कॉपी इट ओके राइट डाउन नंबर two, अपने कॉपी में इनका चित्र बनाइए मेक पिक्चर शब दिस चिड़िया का चिड़िया का और घोंसला, नेस्ट का बनाइए और केवी लड़का का बनाइए केवी का ओके okay? आप अच्छी तरह से इसको कलर भी कर सकते हैं व्हाट यू रंग भरिए कलर इट ओके पहले क्या बनाना है चिड़िया बर्ड और घोसला बर्ड एंड नेस्ट ओके एंड केवी अ बॉय ओके बॉय का चित्र बनाइए एक लड़का का चित्र बनाइए ओके okay? यहाँ सही शुद्ध रूप पर गोला रेखा लगाइए ओके यू कैन सर्कल इन अ करेक्ट वर्ड और यू कैन अंडरलाइन आई हैव अंडरलाइन हियर ओके पढ़ता नहीं पढ़ता नहीं पढ़ता पढ़ता यस दिस इज करेक्ट दैट्स व्हाई आई हैव अंडरलाइन इट ओके नंबर टू घोंसला घोंसला घोसला दिस वन इज करेक्ट घोसला ओके अंडरलाइन हेयर और यू कैन सर्कल इट ओके यू कैन डू या गोल भी लगा सकते हैं गोल मतलब सर्कल इकट्ठा 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 दिस वन इकट्ठा कर रहा था ओके उत्तर दिस वन इज करेक्ट ओके दस वाई आई हैलाइन दिस ये गलत है ये गलत है समाय नहीं होता है समय होता है टाइम समय नहीं होता है समय अंडरलाइन दैट मित्र फ्रेंड दिस इज करेक्ट अंडरलाइन हियर और यू कैन पुट ओके okay, सर्कल भित्र मित्र ओके दीज आर ऑल योर एक्सरसाइजेस सो टुडे वी हैव लर्न अबाउट ओके द बॉय के पढ़ने लगा के स्टार्ट्स लर्निंग स्टार्टिंग ओके आप भी पढ़ने के लिए ओके okay, ओके okay, पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और केवी पढ़ने लगा लेसन से हम लोग ने सीखा हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए ओके वी शुड नॉट मिस यूज आवर टाइम ओके और अच्छा बच्चा बनना चाहिए थैंक यू दैट्स ऑल थैंक यू फॉर लिसनिंग